तो नमस्ते, देखिए आज हम लोग कहीं पर क्या बोलो पार्क बैठेंगे, तो हम लोग को सर लीजिएगा पार्क के लिए पूरा प्याज पार्क हो गया। तो सब कैसा लग रहा है आपको? प्याज हो गया, तेजपत्ता हो गया, हरी मिर्च हो गया, तो अभी चलिए क्या क्या हो गया। शुगर, अच्छा शुगर एक चम्मच, दो चम्मच, तीन चम्मच, तो थोड़ा सा इसका भूनेंगे। ये अभी रात का टाइम है, अभी का समय हो चुका है 6:20 शाम का टाइम। अभी जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा टमाटर बाकी है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कितना साल का प्रैक्टिस है? मैं तो मेरा खुद का ही होटल होम स्टे रिसोर्ट में, जब गेस्ट का प्रेशर ज़्यादा रहता है मैं खुद ही मेरा किचन स्टाफ के साथ जुड़ जाता हूँ। अच्छा, ये मेरा पैशन है और मैं खुद ही बनाने के लिए रेडी हो जाता हूँ, सब कुछ बनाता हूँ। अच्छा अच्छा, चाइनीज इंडियन। अच्छा, आप तो पोर्क का एक अलग सा मैं रेसिपी बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उसका नाम है पोर्क हाउ मोंग। इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों स्वाद एक साथ मिलेगा। अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन में है। सारा साल से मैं इसका शौकीन हूँ। 18 साल मीट मसाला। चलिए आप लोग भी आकर यहाँ पर कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग पर पूरा सामान है यहाँ पर। वो वाला अचार है जो देख रहे हैं, वो अचार का बट्टी का अचार है, उधर देख लीजिएगा कुकिंग का पूरा सामान है। आप लोग भी आराम से यहाँ पर कुक कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर, टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, धनिया पाउडर इसको फिर बनेंगे। पूरा अच्छे से देख रहे हैं, 1 टीस्पून नमक। अभी जाएगा तो टमाटर, तो अभी रेसिपी पूरा हो चुका है इसका मसाला का, तो अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर पार्क करेंगे। ये पार्क कर लिया है, तो इसको भुनेंगे। अच्छा, ढकेंगे, ये पानी देंगे। अच्छा, आपका कितना मिनट लगेगा अभी रेडी होने में? और 15 मिनट। 15 मिनट, तो देखिए ये अभी जलेंगे यहाँ पर। सुंदर सा हो गया। चलिए, कितना एमएल देना पड़ेगा? 30 एमएल देना पड़ेगा। 30 एमएल देना पड़ेगा। 1 kg कोट में 30 एमएल जाता है। 30 एमएल, 60 एमएल भी दे सकते हो, लेकिन वो अपना अपना हिसाब से हम लोग करते हैं। अच्छा, 30 एमएल मैं आज थोड़ा ज़्यादा ही लूँगा। अच्छा, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्टिनेंटल टेस्टी बनाना है। अच्छा, जी देख लीजिएगा आप, और 5 मिनट के लिए इसको ढकेंगे, उसके बाद हो जाएगा। इसको ढकन देते 5 मिनट के लिए। देख लीजिएगा कितना सुंदर दिख रहा है ये पर, और कितना खाने में टेस्टी भी दिख रहा है। तो रेडी हो चुका ना ये? एकदम। अच्छा, तो देख लीजिएगा ये रेडी हो चुका है, ये पॉक्स रेडी हो चुका है। तो देख लीजिएगा आगे भी ऐसा चैनल में बहुत सारा आ जाएगा, तो चलिए देखेंगे आगे।